आज इस वीडियो में सारी सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ कि मैं क्या यूज करती हूँ मेरी डार्क सर्कल्स के लिए, मेरी हेयर के लिए। ठीक है, उमा वेलकम टू माई चैनल। और आज की जो मेरी वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। बहुत ही एक नहीं दो इफेक्टिव प्रोडक्ट की मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। प्रोडक्ट की रिव्यू मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है बायस रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं। पहला प्रोडक्ट है आई रोल ऑन, जो कि ओरिएंटल बोटानिक्स की एलोवेरा ग्रीन टी एंड क्यूकम्बर अंडर आई रोल ऑन। तो हम सब जानते हैं कि ग्रीन टी एंड क्यूकम्बर एलोवेरा ये सब हम लोग की स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडर आई पे ही अब यूज करोगे तो कितना बेनिफिशियल होने वाला है। 2 मंथ से ज्यादा इसे यूज कर लिया है और फिर मैं इसकी ऑनेस्ट रिव्यू ही आप सबके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, ये है ओरिएंटल बोटनिक्स की तरफ से एलोवेरा ग्रीन टी एंड क्यूकम्बर आई रेडियंस अंडर आई रोल ऑन। ये है पैकेजिंग, ये मिनिमाइज डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस एंड पफिनेस अराउंड द आईज, ये क्लेम करते हैं। 15 ml का प्रोडक्ट है, प्राइस है 499 rupees। पैकेजिंग के पीछे मेंशन किया हुआ है कि इसमें कोई पैराबेन यूज़ नहीं किया गया है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, सिलिकॉन्स भी यूज़ नहीं किया गया है और ये क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन प्रोडक्ट है और इसमें जो भी एक्सट्रैक्ट्स यूज़ किया गया है वो बिल्कुल प्योर है। ये है आई रोल ऑन और देख सकते हैं कितना कन्वीनियंट पैकेजिंग है और इसे लेकर आप ट्रेवल भी कर सकते हो। और ऐसे प्रेस करना पड़ता है तो ऐसे लिक्विड यानी जो सीरम है, आई सीरम है, वो बाहर आ जाएगी। ये बिल्कुल लिक्विड टेक्सचर है, बहुत ही कूलिंग से इफेक्ट देता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको अप्लाई करके ज़रूर दिखाऊँगी। इसे मैं रात को ही अप्लाई करती हूँ अपनी आँखों पर। मुझे सबसे अच्छा लगा ओरिएंटल बॉटनिक्स जो ब्रांड है, ये पार्ट ऑफ पीटाज ब्यूटी विदाउट बनीज प्रोग्राम की है गाइस, जो कि मेरे लिए इस ब्रांड को बहुत ही बड़ा एक लाइक। रोल ऑन लगाने के बाद संग संग आपको सो जाना है, बिल्कुल जागना नहीं है और 2 मंथ्स तक आप यूज़ कीजिए, फर्क आप डेफिनेटली देख पाएंगे। आईज में जो रिंकल्स थी वो रिंकल्स भी घट चुकी है। अब डार्क सर्कल जो चीज़ होती है ना, नींद पूरी नहीं होने से भी होती है, आप अगर टेंशन में रहते हो उसके लिए भी होता है। डार्क सर्कल्स होने की बहुत सारी वजह है, तो आप पहले उसे ठीक करो, फिर आप कोई क्रीम ये सब यूज़ करो या ओरिएंटल बोटनिक्स की ही आप चीज़ यूज़ करो तो डेफिनेटली फर्क नजर आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक के साथ साथ ओरिएंटल बोटनिक्स की खुद का एक पेज है, तो आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं कि आप खुद जान पाओगे क्या है ओरिएंटल बोटनिक्स, कैसे ये काम करते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स कैसे बनती है, एवरीथिंग आप वहां से आपको पता चल जाएगा। तो मैं वो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो वहां पे उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है रेड ऑनियन हेयर मास्क। ये है पैकेजिंग रेड ऑनियन हेयर मास्क की और रेड ऑनियन हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये 200 ml का प्रोडक्ट है, प्राइस है 699 rupees। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस के लिए। कैप को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक सेपरेटर दिया गया है, तो इसे ओपन करने के बाद ही प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं। पिंकिश कलर की क्रीमी एक प्रोडक्ट। मैंने मेरे हेयर को दोनों पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है, फिर मैं यूज़ करूँगी मास्क। अब मैंने इस मास्क को अपने तरीके से यूज़ किया है, मैंने इस मास्क को एज अ स्पा क्रीम ही इसे यूज़ किया है। स्पा क्रीम जैसे हेयर पे लगाते हैं वैसे ही मैं इसे हेयर पे लगाऊंगी, मुझे फ़ायदा हुआ है इससे तो इसीलिए मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। बस इसे लगाने का कुछ तरीका बताया गया है, जो कि है कि आप शैम्पू करने के बाद इसे अप्लाई करो, 5 मिनट तक रखो, फिर इसे वॉश कर लो। तो बस मैं वैसे नहीं कर रही हूँ, मैं अपने तरीके से यूज़ कर रही हूँ और इसे भी हेयर आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। इस हेयर मास्क में 26 प्रीसियस इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया है, जो कि आपकी हेयर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन रखेगा एंड हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है।
मैंने इसे मिनिमम 2 मंथ्स तक यूज़ किया है, मतलब रेगुलर वॉइस नहीं, एटलीस्ट वीक में एक बार या दो बार ही यूज़ किया है। मेरी हेयर की क्वालिटी अच्छी हो गई, ड्राइनेस नहीं है, मेरी हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी था लेकिन वो नहीं है, हेयर फॉल मेरा काफ़ी हद तक बंद हो गया है। सबसे प्लस पॉइंट है इस हेयर मास्क की, क्योंकि ये पैराबेन, मिनरल ऑयल, SLS ये सब फ्री है गाइस, क्रुएल्टी फ्री वीगन प्रोडक्ट है, तो आप बेफिक्र इसको अपनी हेयर पे अप्लाई कर सकते हो, स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हो, हेयर डैमेज बिल्कुल नहीं होगा, आगे चल के आपकी हेयर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 30 मिनट तक मैं ऐसे रखूंगी, फिर इसे शैम्पू के साथ वॉश कर लूंगी। मेरी जो स्कैल्प है ना बहुत ज्यादा साफ लग रहा था, मतलब लग रहा था कि मेरी स्कैल्प जो है ना ब्रीथ कर रहा है। सबको शायद पता है कि मेरी हेयर टाइप है ना रफ है, तो मैंने इसे यूज किया और फिर देखिए मेरी हेयर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगती है मेरी हेयर और काफी मैनेजेबल भी हो गई है। कभी मेरी हेयर पे पार्लर ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, ना ही मैंने कभी कलर करवाया है। जो भी आप मेरी हेयर देख रहे हो वो बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है। बहुत कोई ऐसा है कि पार्लर ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर हेयर की शाइन आप लोगों से शेयर करता है कि चलो ये देखो ये शाइन आ गया, लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना वो बिल्कुल नेचुरल है। मैंने कभी भी पार्लर ट्रीटमेंट मेरी हेयर पे नहीं किया है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि होममेड चीज़ यूज़ करने की, जो हेना वगैरह हम लोग करते हैं, लेकिन ये मिलने के बाद मैं सोच रही हूँ कि हेना को स्किप कर दूंगी, क्योंकि हेना तैयार होने में बहुत वक्त लगता है, उतना सारे इंग्रेडिएंट हम लोग को टाइम नहीं मिलता कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल के मैं अभी हेना बनाऊँ। सो ये कन्वीनियंट है गाइस, है ना। ओरिएंटल बॉटनिक्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स है अमेजोन में, आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया जो बात है कि इसमें केमिकल नहीं है, आपकी स्किन के लिए भी ये सेफ है एंड हेयर के लिए भी सेफ है। एनी एज ग्रुप इसे यूज कर सकते हैं, 14 इयर्स के ऊपर की या 15 इयर्स की ऊपर से ही मैं बात करूंगी, तो वो लोग डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं, हेयर मास्क को भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही यूज कर सकती, लड़के भी इसे यूज कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ओरिएंटल बॉटनिक्स के प्रोडक्ट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको लगे कि यूजफुल है तो आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये था मेरी आज की वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।